सीएसके के फैंस के लिए आई बुरी खबर। दो दो तूफानी खिलाड़ियों ने किया संन्यास का ऐलान। सीएसके की टीम को लगा बड़ा झटका। सीएसके की टीम आईपीएल में सबसे सफल टीमों में से एक है। इस टीम की जैसी फैन फॉलोइंग बाकी किसी टीम की नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स की ये टीम 5-5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, लेकिन आईपीएल 2025 से पहले इस टीम को बड़ा झटका लगा है। इस टीम के दो दो धांसू खिलाड़ियों ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। यह दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस टीम को कई बार चैंपियन बनाया है और विरोधी टीमों का पसीना छुड़ाया है। आईपीएल 2025 से पहले सीएसके को लगा बड़ा झटका। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन अच्छा तो रहा, लेकिन प्लेऑफ में एंट्री करने से सिर्फ एक जीत दूर रह गई। लेकिन आखिरी मैच में आरसीबी ने चेन्नई को नाटकीय अंदाज में मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस हार से करोड़ों फैंस का दिल टूट गया, लेकिन उनके चाहने वालों को असली झटका तो आईपीएल 2025 से पहले लगने वाला है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के दो सीनियर खिलाड़ियों ने संन्यास के ऐलान का मन बना लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो दो खिलाड़ी जो लेने वाले हैं संन्यास। लेकिन उससे पहले अगर आप सीएसके के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या एमएस धोनी को सीएसके के लिए एक सीजन और खेलना चाहिए या नहीं। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। रविंद्र जडेजा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता की टीम में शामिल रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये ऑलराउंडर आईपीएल में भी खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल जड्डू का प्रदर्शन और उनकी उम्र को देखते हुए यह फैसला कभी भी लिया जा सकता है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 5 पारियों में रविंद्र जडेजा ने 35 रन बनाए और सिर्फ एक ही विकेट हासिल किया। साल 2024 में वैसे भी उनके लिए ठंडा ही गुजरा। आईपीएल 2024 में उन्होंने 267 रन बनाए और 8 विकेट झटके। जडेजा के कौशल वाले खिलाड़ी से फ्रेंचाइजी को इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहती है। वैसे भी अब उनका करियर ढलान की ओर जा चुका है। यह देखते हुए जडेजा आईपीएल 2025 से पहले संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी। ऐसा माना जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कर्ता धर्ता एमएस धोनी आईपीएल 2024 के रूप में आखिरी सीजन खेल चुके हैं। उनके प्रदर्शन में ऐसी कोई कमी नहीं आई। धोनी ने आखिरी सीजन में 14 मैचों में 220 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ 161 रन बनाए थे। आंकड़े तो शानदार हैं, लेकिन अब उम्र और उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। 43 साल के माही घुटने के चोट से लगातार परेशान हैं। आईपीएल 2024 भी उन्होंने चोट के साथ ही खेला। ऐसे में अब आईपीएल 2025 में उनकी भागीदारी की संभावना बेहद ही कम नजर आ रही है। धोनी सीजन की शुरुआत से पहले ही अपना फैसला सबके सामने साझा करेंगे, जैसे कि साल 2022 में जडेजा को कप्तानी देकर किया था। ठीक यही घटनाक्रम ऋतुराज को कप्तानी सौंपते हुए हुआ था। अब धोनी आईपीएल 2025 में खेलेंगे या नहीं, यह सिर्फ सीजन की शुरुआत होने से कुछ बाद ही पता चल पाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, एमएस धोनी को सीएसके के लिए एक और सीजन खेलना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।